मानसून सत्र के दौरान मणिपुर को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच बीजेपी ने संसदीय दल की इस बैठक बुलाई। इस बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल रहे। इस बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष के व्यवहार से ये दिखाई देता है कि आने वाले कई सालों में तो विपक्ष में ही रहेगा। पूरी दुनिया इस सरकार के साथ और इस नेतृत्व के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से तुलना की है। उन्होंने कहा कि दोनों ही नामों में इंडिया का इस्तेमाल हुआ है। साल 2012 में बहुचर्चित एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड मामले में आरोपी गोपाल कांडा को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। गोपाल कांडा की एयरलाइन कंपनी MDLR में गीतिका बतौर एयर होस्टेस काम करती थी और उन्होंने 5 अगस्त 2012 को दिल्ली के अशोक विहार में सुसाइड कर लिया था। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष कांति बिश्वास ने मंगलवार को अपने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन बहुत खराब प्रदर्शन रहा था। भारतीय महिला अंजू अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्ला से मिलने के लिए कानूनी तौर पर पाकिस्तान के एक दूरदराज के गांव में गई थी। अब दोनों ने मंगलवार को अपर डिर जिले के कोर्ट में शादी कर ली है। अंजू ने शादी के बाद अपना नाम बदलकर फातिमा भी कर लिया और ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया। दोनों की शादी के बाद पहला वीडियो सामने आया है। दोनों इसमें एक दूसरे के लिए प्यार जताते हुए नजर आ रहे हैं। सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। अब इस फिल्म पर क्रिटिक कमाल आर खान ने इस फिल्म को लेकर एक दावा किया है। उन्होंने गदर 2 को बहुत ही बेकार बताया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज का अंत टीम इंडिया ने 1-0 की जीत के साथ किया। दूसरे टेस्ट का आखिरी दिन बारिश की वजह से धुल जाने से उसे ड्रॉ पर समाप्त कर दिया गया।